विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारे साथ में एक मुखिया जी भी हैं जो इस आदिवासी दिवस में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। आप महिला हैं, मुखिया भी बने हैं, क्या उम्मीदें थी सरकार से, क्या उम्मीदें थी इस तारीख से जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? हमें इस तारीख से और अपने सरकार से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। हम भी मुखिया हैं, हमारे सरकार भी हमारे समाज से ही उठ करके हम सभी का वोट लेकर के हम सभी से के प्रयास से उनको कुर्सी पर इसलिए पहुंचाते हैं कि ताकि यहाँ की जनता की आवाज़, यहाँ के अंतिम वर्ग की आदिवासी की आवाज़ वो हमारे जगह पर, हमारे विधानसभा पर, हमारे पार्लियामेंट पर रख सके जहाँ से हमें अधिकार प्राप्त होती है। वजह ये है कि गांव के अंतिम व्यक्ति, अंतिम आदिवासी ये डायरेक्ट विधानसभा पे जाकर के नहीं, पार्लियामेंट पे जाकर के नहीं अपना अधिकार को मांग सकते हैं। इसलिए गांव समाज से हम लोग एक ऐसा व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे आवाज़ बने, हमारे आदिवासी समाज की एक नेतृत्व करे और हमारा जो हक अधिकार है वो हमें मिले। और हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि हमें अपने अधिकार क्यों मांग करनी पड़ती है। हम यहाँ आपको बताना ये भी चाहेंगे कि आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति महोदया हमारी महिलाएं हैं, महिला हैं, हमारी आदिवासी महिला हैं, तो हमने कईयों को बोलते हुए सुना है कि उनको उस जगह पर पहुंचाया गया है। अरे वो उसकी अपनी योग्यता थी, अपनी क्वालिटी थी, उस वो खुद में सक्षम थी, वो उस जगह पर अपनी मेहनत से, अपने कड़ी मेहनत से वहाँ पर पहुँच पाए। क्या लगता है कि आप आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है तो ऐसे में महिलाओं का जो है, आदिवासी महिलाओं का कितना कल्याण हो पाएगा? हम बस यहाँ से सबसे पहले तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ, विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहेंगे पूरे आदिवासी समाज की तरफ से। और हम सब आदिवासी को काफ़ी उनसे उम्मीदें हैं कि हमारी जो पीड़ा है, वो दर्द है, कि वो हमें लड़ाई करके अधिकार दिलाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा आशा हेमराम, प्रखंड सरैया हाट, जिला दुमका से मैं मुखिया हूँ। मैं दो टर्म से मुखिया हूँ। थैंक यू।